मौसम की नज़ाकत देखिए फ्रेंड, अभी बज रहे है शायद पुनः 1 बज रहा है, मैं आपको दिखा भी दूँ। चलिए देखिए फ्रेंड, पुनः बज रहा है और ये देखिए क्या मौसम का नज़ारा है। जब भी ऐसा मौसम होता है, अभी ऐसा ही है। आज 15 से 20 दिन होने को आए, बीच बीच में कभी कभी ही 1 घंटे के लिए धूप निकलती है। और देखिए फ्रेंड्स, 1 बज रहा है, मगर ये पता नहीं चल रहा है 1 बज रहा है या फिर सुबह हो रही है। तो ऐसे मौसम में मुझे कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाने का ही विचार आता है, तो इसके लिए मैं ऐसा मौसम देख के कुछ ऐसा बनाती रहती हूँ जो बच्चों को भी पसंद आए, आप सभी को भी पसंद आए। और मुझे तो बहुत ही पसंद आता है ये सब बनाना, मुझे जितना बनाने का शौक़ है इतना खाने का नहीं है, मैं तो बनाते बनाते ही पेट भर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रोज़ ये मौसम के नज़ारे का मज़ा लेती हूँ। क्या आप इसे लेते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप बोलते होगे ये रोज़ रोज़ यही बताती है, पर क्या करूँ, मुझे ये सब नज़ारा अच्छा लगता है। पेड़ पौधे, ये छांव, ये बारिश, बारिश का मौसम, ये सब मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी फेवरेट वाली ये मोमेंट है, इसलिए मैं कैद करती रहती हूँ फ़ोन में। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 साल के बाद ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो ये मौसम की नज़ाकत देखते हुए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो चलिए, देखते ही खाने का मन हो जाए एसी और बाहर लारी से तो 100 गुना बेहतरीन रगड़ा गुपचुप पूरी। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुपचुप रगड़ा पूरी रेसिपी, जो कि एकदम से गर्मा गर्म और स्पाइसी एंड सुपर टेस्टी, जो पानी पूरी को टक्कर दे ऐसी टेस्टी गुपचुप रगड़ा पूरी रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, ऐसे मौसम में अगर गुपचुप रगड़ा पूरी मिल जाए तो बस मौसम का मज़ा ही आ जाए। मैं ऐसा रोज़ मौसम देखती रहती हूँ, कुछ न कुछ बनाने का सोचती रहती हूँ, तो आज मैं आपके लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, चढ़ा देना है पैन, 1 मुट्ठी भर के जीरा डाल देना है, 4 लाल मिर्च डाल दिए, सूखी लाल मिर्च लिए उसको हमने भून लेना है, उसको हमें दरदरा पीस लेना है। तो अभी हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इधर हमने जो छोले यानी कि पीले मटर आते रात को भिगो के रख दिया था, इसके अंदर 2 आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, 4 से 5 मैंने विशल लगा ली थी और बेसिक मसाले मैंने रख दिए थे। तो सॉरी फ्रेंड, इसके लिए कि लाइट चली गई थी तो मैं अच्छे से सूट नहीं कर पाई, तो मैंने यहाँ पे पीले मटर बॉईल करने रखे, उसके साथ 2 आलू भी रख दिए थे और बेसिक मसाले इसके अंदर डाल दिए थे। मसाले मैंने हल्दी पाउडर, नमक, चाट मसाला, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल के उबाल लिया है। तो अभी इसको रख दी गई थोड़ा पानी रख दी गई इसके अंदर गर्म होने के लिए। थोड़ा सा हमारा ड्राई हो गया था तो थोड़ा सा गीला गीला बन जाए, उसके लिए मैंने चढ़ा दिया 1/2 कप पानी डाल के। तो इधर देखिए, हमने मिर्ची और जीरा भून के रखा था, वो भी अच्छे से हो चुका है, तो उसको भी हमने दरदरा पीस लेना है। इधर हमने इमली की चटनी चढ़ा दी है, तो चटनी हमने पहले ही हमारे चैनल पे डाल रखी है, आप फ्रेंड देख सकते हो। फिर भी मैं आपको बता दूँ, इमली को रात को भिगो के रख दिया था, फिर उसके बाद सुबह मैंने इसको पीस लिया है, छान के अभी चढ़ा दिया है और इसके अंदर जाएंगे बेसिक मसाले। तो आपको अगर मेरी चटनी देखनी है डिटेल में तो आप मेरे चैनल पे आगे जाके देख सकते हो। तो देखिए, हमारी चटनी भी यहाँ पे बन चुकी है। अभी आपको थोड़ी सी पतली लग रही होगी, मगर ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो ही जाती है, तो गैस को कर देंगे बंद। अभी बारी आती है थोड़े से प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, सारी चीज़ों को यहाँ पे बारीक बारीक से कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया है, सॉरी फ्रेंड्स, जुबानें कभी लड़खड़ा जाती है। तो 2 टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, तो बारीक बारीक से चॉप कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्च ली है, तो हमने यहाँ पे स्पाइसी बनानी है गुपचुप रगड़ा पूरी, तो तीखी वाली मिर्ची ले ली है और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लेगी। इधर ले लिए 1 कप भर के दही, दही को पहले हमें फेंट लेना है अच्छे से। तो फेंटने के बबाद इसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा काला नमक हमने डाल दिया था, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। तो दही पूरी, रगड़ा पूरी में दही मीठी ही होती है। तो देखिए, इधर हमने 3 आलू बॉईल करके रखे थे, टोटल आलू हमने 5 बॉईल किए थे, 2 रगड़ा में डाल दिया है और 3 इधर ले लिया है। इसके अंदर जाएगा फ्रेंड्स रगड़ा बना के रखा था वो,
उसके बाद जाएगा प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और थोड़े से हरे धनिया, और उसके बाद जाएगा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक और भुने जीरा और सूखी लाल मिर्च का पाउडर जो हमने बना के रखा था वो, और 2 चम्मच भर के जाएगी इमली का पानी। तो फ्रेंड्स, चटपटा वाला यहाँ पे रगड़ा बना है, बहुत ही स्पाइसी और चटपटा, बहुत ही अच्छा बना है, खट्टा मीठा। तो देखिए हमारा रगड़ा बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए सारा इन्ग्रीडियंट्स तैयार हो चुका है फ्रेंड। हमारी पूरी अभी कितनी क्रंची बनी आप देख सकते हो। तो मैंने ये पूरी की भी वीडियो ऑलरेडी 2 बार में रख चुकी हूँ, वो भी मेरे चैनल पे जाके आगे देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, इधर हमने प्लेट लगा ली है। तो पहले हमने पूरियाँ तोड़ ली है, उसके बाद जो हमने रगड़ा बना के रखा था वो डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर रगड़ा भर भर के डाला है, घर पर बनाते हैं तो भाई भर भर के ही खाएंगे। तो अभी बारी आती है रगड़े के बाद दही की। तो दही भी हमने अच्छी खासी मात्रा में डाली है, आप देख सकते हो, आपको जितनी पसंद हो इतनी आप डाल सकते हो। उसके बाद बारीक बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, और अभी जाएगी खट्टी मीठी इमली गुड़ की चटनी, और ऊपर से जाएगी हरे धनिए और पुदीने की चटनी, और थोड़ा सा चाट मसाला जाएगा, और थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर जाएगा फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ऊपर से बूंदी, होममेड बूंदी है ये, और थोड़ी सी जाएगी यहाँ पे भुजिया सेव, और ऊपर से ये पूरी की जान यानी कि हरा धनिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एकदम से गुपचुप रगड़ा पूरी बन के तैयार हो चुकी है। तो पहला बाइट आपके लिए फ्रेंड्स, मैं जब भी बनाती हूँ पहला बाइट आपको ही देती हूँ। तो आज की ये मेरी गुपचुप रगड़ा पूरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।